इस वीडियो के अंदर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को इन शॉर्ट स्टडी करेंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है, वाटर स्ट्रक्चर यानी डैम्स वगैरह बनाती है। तो ये जो एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी को अपना काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, उसमें सीमेंट आता है, आयरन आता है, सैंड, वुड, कंक्रीट, ब्रिक्स, मार्बल, ग्लास, प्लास्टिक, ये डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज होते हैं। और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, इनकी अपनी कंपनीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन कंपनी को। सीमेंट की अलग से कंपनी होगी, आयरन या स्टील की अलग से कंपनी होगी, इसी तरह जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, इसकी डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि इस एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन कंपनी को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। अब अगर हम इस सप्लाई चेन प्रोसेस के अंदर देखें तो रॉ मटेरियल पहले बनता है, कंस्ट्रक्शन बाद में होती है। मतलब सीमेंट पहले बनता है, कंस्ट्रक्शन वर्क बाद में स्टार्ट होता है। इसी तरह ब्रिक्स पहले बनती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बाद में स्टार्ट होता है। मार्बल पहले तैयार होता है, कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट होती है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग है ना, ये सप्लाई चेन में पहले आती है और कंस्ट्रक्शन वर्क बाद में आता है। अब अगर इस एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सीमेंट फैक्ट्री को बाय कर लिया, इस एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक स्टेप पीछे जाके सीमेंट फैक्ट्री को बाय कर लिया, मतलब सीमेंट पहले बन रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क बाद में हो रहा था, तो इस कंपनी ने एक स्टेप पीछे जाके सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को ओन कर लिया। यह प्रोसेस कहलाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर हम इसका कन्वर्स देखें ना, कि यह जो फैक्ट्री है जो सीमेंट बनाती है, अगर यह इस एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ओन कर लेती है, मतलब यह सीमेंट पहले बनता है, कंस्ट्रक्शन बाद में होती है, तो सीमेंट इंडस्ट्री ने एक स्टेप आगे जाके कंस्ट्रक्शन कंपनी को ओन कर लिया। ये प्रोसेस कहलाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स बाइंग द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन दैट अकर्स प्रायर टू द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि सप्लाई चेन के अंदर कोई ऐसी चीज जो कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से पहले आती है, अगर कंपनी उसको बाय कर लेती है ना, तो इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि गाड़ियां बनाती है, कार्स बनाती है, अगर वो टायर्स बनाने वाले किसी कंपनी को ओन कर लेती है ना, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स बाइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट अकर्स आफ्टर द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहां पे क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद की कोई चीज अगर कंपनी ओन कर लेती है या बाय कर लेती है, तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे ये जो सीमेंट फैक्ट्री थी ना, इसने कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाय कर लिया या ओन कर लिया, कि सीमेंट पहले बनता है, उसका अगला स्टेप जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री ने एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाय कर लिया, इसे कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन।